राम राम सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करें हम सुबह के 6:30 बजे से, और 6:30 के मतलब 7 बजने वाले हैं, 6:40 हो गए। और अभी मौसम बाहर बहुत ठंडी हवा चली है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। एकदम मन भी नहीं करता बाहर निकलूँ सुबह सुबह, भाई कितना मौसम देखो, मंदिर के झंडे कैसे हिल रहे हैं ना, और ऊपर वाला मौसम तो बर्फ की भी, उधर तो ठंडी की तरह होगी पता नहीं। कितना अंधेरा लगता है भाई सुबह के टाइम, खोलते अपनी बुक्स यार और पढ़ने बैठते हैं। ये यहाँ पर मेरी बहन ने अपने लिए स्वेटर मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से काफ़ी दिनों से, जो कि आज फाइनली आ गई थी। बहुत सुंदर थी सच में, अब तो 900 कुछ प्राइस चल रहा है इसका, उस टाइम उसने 400 कुछ में मंगवाई है, और ब्लैक में भाई क्या मस्त लग रही थी। मेरा मन भी है सेम में मैं यही सेम मंगवाऊँगी, मस्त है इसकी चॉइस बहुत काफ़ी अच्छी कपड़ों में मतलब, और स्वेटर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ट्राई करने के लिए बोला, भाई बाहर से डाल रही है बंदी ऐसे ही स्वेटर के बाहर से, मतलब उसको ऐसे ही पहननी है। मैंने कहा भाई मत पहने ऐसे, तो तू इसको ख़राब कर देगी। फिर बस इसने ऐसे ट्राई किया ऊपर ऊपर से। खाना काशु बना रही है, पता नहीं इसे कौन से डाल डाली है, 2-4 सीटियाँ आगे मैंने बंद कर दिया, प्याज में तड़का तुड़का इसने काट दिया, धूप में बैठ के भैया आज सुबह ही नागी है लड़की, हम भी चलते हैं थोड़े धूप में बैठते हैं। तो कान कून में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, और नाक में स्पेशली मस्त धूप आ गई। अब तो टाइम 11 बज गए हैं दोपहर के, सुबह तो धूप ही काम थी इतने सुबह, चलते हैं भाई। क्या धूप लगी क्या मैम, अब आज सुबह नहा गया ऐसा क्या हो गया? सुबह नहाने का मन था भाई, धूप बहुत ज़्यादा अच्छा है आज, आज ऐसा लग रहा है। मैं तो दोपहर तक धूप अच्छी होती है ना, बाद में हवा लग जाती है थोड़ी देर बाद, मतलब 2-3 बजे तक। यहाँ पर तो नहीं लगेगी जहाँ हमारे मेरे को धूप, हम हाँ यार खट्टा खाने का मन कर रहा है, पर मैं अभी बीमार भी हूँ थोड़ी। अच्छा खट्टा खाने से बीमार नहीं होते हैं, तो पक्का खाएंगे हम। बच्चे जिद्दी, गोदी में उठाओ तो उठाओ, पैदल नहीं चलना है हमें। यार इतनी ज़्यादा धूप थी, मेरे को तो चक्कर आ रहे थे उस धूप में, अभी मैं तो नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर तक। चलो मैं तड़का लगा देती हूँ, देखती पहले काशु ने डाला गया खाने में आज, काले चने की दाल डाली है काशु ने। बस मैं खाना बना लेती हूँ पहले जल्दी से, तड़का ही लगाना, दाल तो पक्की, चावल बनने में तो कितनी देर लगती है। मैं बोर हो गई हूँ चावल खाना दिखा दिखा के आप सबको, आप भी बोर हो गए होंगे देख देख के, पर मैं क्या करूँ, मैं दिन भर में यही करती हूँ, पढ़ती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ और सोती हूँ बस। मैंने सोचा था मैं नहाऊंगी, पर हम जा रहे दीदी के रूम, पहले हम थोड़ा सा सामान लेंगे, थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाएंगे वापस, 30-25 मिनट में आ ही जाएंगे वापस। बस अभी चलते दीदी के रूम, मेरी शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है, इग्नोर करना, नहाऊंगी कपड़े धोऊंगी। दुकान बंद थी, जो दीदी ने सामान मंगवाया था वो नहीं ले पाए, बस अपना काम करके आती हूँ सबसे पहले जो मेरे को काम है। मेरा काम भी हो गया दीदी के पास, बस अब रूम जाऊंगी, सबसे पहले कपड़े धोऊंगी, आज धूप थोड़ी अच्छी है, शाम तक सूख जाएंगे मशीन में डाल के और बढ़िया ड्राई करके तो कपड़े धोते हैं, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े नहीं बचे भाई अब तो, ऐसा हम महसूस हो रहा है मेरे देख के। तो बस अब कपड़े धोएंगे सबसे पहले जाके। आशू मैम हमारे, आज तो मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धो लिए ना, सारे के सारे, मतलब जितने घर के कपड़े थे उसमें से एक दो जोड़ी बची होगी अंदर, और मैंने सारे धो लिए। मैं दिखाती हूँ मैंने बहुत कपड़े धोए भाई, डबल डबल करके अंदर, पता नहीं 2-2, 3-3 कपड़े ये रहे, ये बेडशीट वगैरह सब कुछ धो ली, इतने ज़्यादा कपड़े धोए। धूप बढ़िया है, अच्छे से सूख जाएंगे रात तक, जाने वाली धूप उधर पहुँच के, बट हाँ सूख जाएंगे। अब मैं खुद नहा लेती हूँ भाई, कपड़े तो धो लिए, जो पहने ये भी धोने हैं, बस अब नहाते धोते अपने शक्ल शुगर ठीक करते, सुबह से मुँह नहीं धोया मैंने, हाँ नहीं धोया नहीं धोए लग रहा है, पर मुझे देख के बुरी लग रहा, मैंने मुँह धोया है पर मैंने नहीं धोया है, ऐसा लग रहा है मुँह धोया है कितना चमकीला फेस लग रहा है मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो नहाती हूँ पहले खुद, पोछा भी लगा दिया, झाड़ू लगाया, सब कुछ कर दिया, मतलब मस्त झाड़ू पोछा सब लग गया है, बस एक आशु के बर्थडे के गुब्बारे इधर उधर नाच रहे हैं, ये यूँ कितने गंदे लग गए हैं ना, आपको बेड के नीचे पड़े, कोई इधर पड़े, कोई मेरे बेड के नीचे भी पड़े हुए हैं। मेरा नहाना धोना भी हो गया, बस अब मैं स्वेटर पहनूंगी,
क्योंकि ठंड होती है यहाँ पर, नहाने के बाद तो सीधे स्वेटर पहन लेनी चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से मैं ठीक हो रही हूँ सच बताऊँ तो, फिर ऐसे में मैं लापरवाही करूँ तो इसका अंजाम मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं और बीमार हो जाऊँगी। तो चलो स्वेटर स्वेटर पहनते हैं। बाहर का क्या व्यू लग रहा है भाई पहाड़ों का, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इतने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, इनमें डूब गई इतनी सुंदर। थोड़ी देर में टेरिस में चलते हैं। अभी हम आ गए हैं टेरिस में और हम ले रहे हैं मज़े, पहाड़ों वाली मैगी के मज़े। हमारी मैगी, ये मैगी खा के मज़ा आ गया, पहाड़ों वाली मैगी वाला फील आ रहा था बिल्कुल। और मंदिर में हो रही है पूजा, जैसे कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इतना सुंदर लगता है मंदिर, ये पहाड़ और भाई वहाँ वाला व्यू देखो सबसे मस्त, कितना सही लग रहा है ना। इस तरह बिल्कुल अंधेरा और इस तरह बिल्कुल रेड रेड सा, मतलब ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, कितना सुंदर। आंखों से इतना ऑरेंज है जितना फोन में आ रहा है, हल्का सा लाइट है इससे, मैं मस्त लग रहा है। अब चलते नीचे, अंधेरा हो जाएगा 5-10 मिनट में। सबसे पहले तो बेडशीट लगाती हूँ, पर मेरी पिल्लो कवर थोड़ी सी फट गई है, इसे सिलना पड़ेगा पहले तो। पहले इसे सिलते हैं फिर बेडशीट को लगाते हैं। बेडशीट भी मैंने लगा दी और अपने पढ़ने का सेटअप भी बना दिया, बस सब बुक्स खोलेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और बैठ जाएंगे अपने पढ़ने और पढ़ते हैं अब। अभी टाइम हो रहा है रात के 10, खाना पीना हो गया, मतलब दिन का बचा था वही खाया था, पहले मैगी खाई थी, इतनी भूख थी नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना खाया मैंने और काशु ने। बस ब्लॉग एंड में यहीं पर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर, और मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी।